सुप्रीम कोर्ट मामले में आज सुनाएगा फैसला। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दायर की थी याचिका। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित और आज अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। एमपी और राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और 8 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का यह मामला है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आज अपना अहम फैसला सुनाएगा। और आपको बता दें कि वोटर लिस्ट मामले को लेकर लगातार जो है कई इस तरह के मुद्दे उठे थे और उसी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कांग्रेस नेता कमलनाथ। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर लगातार कांग्रेस ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी और लगातार सरकार पर कई आरोप भी यहां पर लगाए गए थे और उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई हुई। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट मामले में आज अपना अहम फैसला सुनाएगा और इस मामले पर 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले को सुरक्षित रखा था जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के में यहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उजागर होने को लेकर विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सरकार पर कई गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए गए थे और इस पूरे मामले को लेकर ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा गया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, एक याचिका लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई थी और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले पर ही आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो सुरक्षित रखा था उसी फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर लगातार विपक्ष ने